In this video, we will see rule 6, that is safe speed. Also, we will see some diagrams as well as the explanation, which is very important. So, taking the first para into account, which is written, every vessel shall at all times proceed at a safe speed so that she can take proper and effective action to avoid collision and be stopped within a distance appropriate to the prevailing circumstances एंड कंडीशन. इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी वेसल है उसको एक प्रॉपर सेफ स्पीड में चलना चाहिए, कोई एक्शन लेना हो तो वो जल्द ही ले ले और रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट ही ना करें. यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी. इन डिटरमाइनिंग अ सेफ स्पीड द फॉलोइंग फैक्टर्स शैल बी अमंग दोज टेकन इन टू अकाउंट. वैसे तो बहुत ढेर सारे फैक्टर हैं, वी शुड बी कीप इन माइंड, बट देर आर सम फैक्टर्स. लेट्स सी. The first, that is by all vessel, and in that there is also a first point, that is the state of visibility. In clear visibility, you can see both the vessels if they are far away. Let us take in this case that is 6 miles. But what will happen if there is a foggy area? Then in this case, the distance will be short, and in this case, that is 3 miles. So मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर clear visibility है तो बहुत दूर तक का distance भी आराम से देख सकते हैं. बट अगर फॉगी एरिया है उस केस में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और जैसे ही वो नज़दीक आता है तब वो दिखता है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द ट्रैफिक डेंसिटी इंक्लूडिंग कंसंट्रेशन ऑफ फेसिंग वेसल और एनी अदर वेसल्स. सो लेट अस सी इन डायग्राम. इफ देयर इज ओपन सी, अगर यहाँ ओपन सी है और वेसल बहुत ही कम है तो आराम से हम लोग जज कर सकते हैं कि वॉट विल बी द सेफ स्पीड. बट अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है सो हमारे जजमेंट पे थोड़ा डाउट होता है कि सेफ स्पीड होना क्या चाहिए. Now let's see the third point, that is the maneuverability of the vessel with a special reference to stopping distance and turning ability in the prevailing conditions. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सुपर टैंकर है और उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है, सो उस सुपर टैंकर को एक प्रॉपर सेफ स्पीड में चलना चाहिए सो दैट सी कैन टेक वेरी लेस टाइम टू स्टॉप. कुछ सुपर टैंकर्स क्या होते हैं कि उनका स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका सेफ स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है. जब भी वो स्टॉप करने की कोशिश करते हैं तो 2 या 3 माइल आगे जाके स्टॉप होता है, और सेफ स्पीड में ऑब्वियसली अगर सेफ स्पीड में नहीं चलाए तो टर्निंग एबिलिटी पे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. सो वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट द सेफ स्पीड इन सच वे दैट इट शुड स्टॉप इन अ सर्टेन डिस्टेंस एंड हैविंग अ कैपेसिटी टू टर्न इन प्रिवेलिंग कंडीशंस. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एट नाइट द प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड लाइट सच एज फ्रॉम सोर लाइट और फ्रॉम बैक स्कैटर ऑफ आवर ओन लाइट. को अगर समझना है तो हमें फर्स्ट पॉइंट पर फोकस करना होगा, दैट इज स्टेट ऑफ विजिबिलिटी. मीन्स कितने रेंज पे हम किसी वेसल का उसका बैकग्राउंड लाइट देख सकते हैं, उसके साइड लाइट्स देख सकते हैं. सो अगर वो चीज़ हमें कम रेंज में दिखता है सो वी शुड कंट्रोल ऑन आवर स्पीड सो वी कैन टेक एक्शन ईजिली एंड कैन ऑल्सो बी अवॉइड द रिस्क ऑफ कोलिजन. And the next point is the state of wind, sea and current and the proximity of navigational hazards, which means the wind, sea and current will create a direct impact on our speed. कि अगर हमारा स्पीड ज़्यादा है तो वेसल का मूवमेंट जो होगा करंट के डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, अगर कम है तो करंट के डायरेक्शन में कम होगा. लेट अस सी द एग्जांपल. वी आर ट्रैवलिंग अलोंग साइड ऑफ द सी एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग द विंड ऑन आवर वेसल. तो जो विंड क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से वो सेट होगा और वो सर्विस मूव करेगा. बट दूसरे केस में लेट अस टेक द स्पीड ऑफ आवर वेसल इज स्लो. स्लो वाले केस में जो विंड का इफेक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा देर तक होगा, कंटिन्यूस होगा, जिसकी वजह से उसका जो मेन पाथ है अपने मेन पाथ से ज़्यादा डेविएट कर जाएगा. सो ये ज़रूरी नहीं कि जो स्लो स्पीड हो वही हमेशा सेफेस्ट स्पीड हो. सो इन दिस केस द फास्टेस्ट स्पीड विल बी द सेफेस्ट स्पीड. सो इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए हम अपने वेसल को विंड के डायरेक्शन में एक एंगल ऑफ एल्मोन बना के टर्न करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट वे. वी विल हैव सम इफेक्ट ऑफ विंड ऑन आवर वेसल, बट वी विल ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेटली बिकॉज वी हैव मेड सम एंगल सो दैट सो इट विल बाईपास द इफेक्ट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्रॉट इन रिलेशन टू द अवेलेबल डेप्थ ऑफ द वाटर. मीन्स जो अवेलेबल डेप्थ है, अगर वेसल का स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है और आगे वो तेज चल रहा है, चलता जा रहा है, और आगे जाकर की जो अवेलेबल डेप्थ है वो बहुत ही कम हो जा रहा है, सो वहाँ पे वेसल डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. मीन्स
जो यूकेजी है अंडर किल क्लियरेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो क्लियरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए ताकि वेसल का डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ बाय वेसल विथ ऑपरेशनल रडार। इन दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट इज़ द करेक्टरिस्टिक एफिशिएंसी एंड लिमिटेशन ऑफ रडार इक्विपमेंट। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रडार, एक्स बैंड है या एस बैंड है, इसका रेजोल्यूशन कैसा है, क्या यह टारगेट डिटेक्ट करता है कि नहीं करता है, अगर वो डिटेक्ट करता है तो क्या वो हैजी है या उसका रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा है, इसका एफिशिएंसी क्या है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रडार विच वी शुड कीप इन आवर माइंड। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनी कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय रडार रेंज स्केल इन यूज़। इस फिगर में जो वाइट वेसल है उसका रेंज स्केल बहुत ही कम है, सो ही विल नॉट ट्रैक द रेड वेसल, लेकिन अगर इसका जो रेंज स्केल है वो ज़्यादा होता है देन शी विल ट्रैक द रेड वेसल। इन दिस वे सी कैन एडजस्ट हर स्पीड। सो कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, द इफेक्ट ऑन रडार डिटेक्शन ऑफ द सी स्टेट वेदर एंड अदर सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ वेदर एंड सी स्टेट विच क्लटर ऑफ द स्क्रीन। जो स्क्रीन है उसको एकदम हेजी बना देता है, क्लटर अप कर देता है, जिसकी वजह से जो और भी वेसल्स हैं उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, दूसरे वेसल्स को डिटेक्ट करना। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द पॉसिबिलिटी दैट स्मॉल वेसल्स, आइस एंड अदर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स मे नॉट बी डिटेक्टेड बाय रडार एट एन एडिक्वेट रेंज। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो रडार है हर चीज़ को डिटेक्ट तो वो कर नहीं सकता। अगर वेसल की स्पीड अगर ज़्यादा है सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो हर चीज़ को वो डिटेक्ट करे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ वेसल डिटेक्टेड बाय रडार, विच मीन्स तो जो हम लोगों ने ट्रैफिक वाला पॉइंट पढ़ा था, सो उस ट्रैफिक वाले पॉइंट ट्रैफिक डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे रडार क्या करता है कि वो सारे वेसल्स को डिटेक्ट कर लेता है, उसका नंबर, उसका लोकेशन क्या है और उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में वो मूव करता है। सो इन दिस वे वी कैन टेक एक्शन, ऑल्सो वी कैन जज आवर स्पीड डेट वॉट शुड बी। नाउ कमिंग टू फाइनल पॉइंट, द मोर एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ द विजिबिलिटी दैट मे बी पॉसिबल वेन रडार इज़ यूज टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेसल और अदर ऑब्जेक्ट इन विसिनिटी। सो कमिंग बैक टू फर्स्ट पैरा, जहाँ पे हम लोगों ने विजिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, अगर वेसल विजिबिलिटी में है हम तुरंत समझ जाते हैं कि हमारा सेफ स्पीड क्या होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट असेसमेंट के लिए जितने भी मीन्स हैं सारे को यूज़ करना चाहिए। ऑब्वियसली देयर इज़ रडार सो वी शुड यूज़ ऑफ इट सो दैट वी विल क्लियर कि वॉट शुड आवर सेफ स्पीड। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।